सो फाइनली दोस्तों कल की 2898 एडी डे नंबर 2 का बॉक्स ऑफिस अमेजिंग यार भाई साहब, डे नंबर 1 का जो पोस्टर आया है फिल्म मेकर के द्वारा 191.05 करोड़। अब बिगेस्ट ओपनर, ये फिल्म एपिक ब्लॉकबस्टर दोस्तों, पहले ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, इस वीकेंड तक 600 करोड़ कंफर्म है। एंड भाई इस फिल्म ने सबके रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है दोस्तों। पब्लिक रिव्यू, पब्लिक रिएक्शंस, पब्लिक के पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं इस फिल्म को लेकर। एंड भाई सब आज तो फ्राइडे है भाई, आज भी दोस्तों जबरदस्त का कलेक्शन आने वाला डे नंबर 2 का, आज की ऑक्युपेंसी भी सुपर है। एंड बताओ दोस्तों, कल के मुकाबले आज थोड़ा कम गिरावट देखने को मिली है, लेकिन भाई आज भी जो आंकड़ा आ सकता है वो कितना आएगा वो बताऊंगा। और क्या जवान से कंपैरिजन करूं डे नंबर 2 का बॉक्स ऑफिस, तो क्या हालात है दोस्तों। वह दोस्तों आप सबको पता है कि जो क्रिटिक्स होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन कुछ समोसा विदाउट चटनी रेड वाली, मतलब हरी चटनी वाले जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो भाई साहब इनको पैसे मिले हुए हैं कि कल की मूवी को नेगेटिविटी से भर दो ताकि जनता इस फिल्म के विरुद्ध जाए और जनता जो है इस फिल्म को देखे ही ना। वेल, दो बड़े क्रिटिक्स सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ मेरे रडार में है, मैं सोच रहा हूँ उनके ऊपर हेट बनाऊँ कि ना बनाऊँ, उनको रोस्ट करूँ कि ना करूँ। कितने लोग चाहते हैं कि भाई मैं रोस्ट करूँ, क्योंकि ये दो जितने भी यार ये क्रिटिक्स है ना भाई, सच बता रहा हूँ मेरे ना सर में दर्द हो रहा है इनको देख के। पता है क्यों यार भाई, जब देख रहा हूँ कल की नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जब देख रहा हूँ मतलब ये वो लोग हैं फाइटर की बुराई की, फाइटर मूवी से कंपेरिजन कर रहे हैं कि फाइटर की हिंदी में बॉक्स ऑफिस अच्छी थी। मतलब भाई साहब इनको ना पैसा मिला हो भाई, सच बता रहा हूँ मैं, ये दोनों बहुत बड़े लालची भाई पैसे के, ये दो बड़े बंदे हैं। ठीक है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बट ठीक है अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में नाम भी ले लूंगा मैं। भाई इन दोनों बंदों ने हद मचा दी है, जानबूझ के प्रभास को ट्रोल कर रहे हैं, इनको पैसा मिला हुआ बॉलीवुड माफिया की तरफ से और इस फिल्म को नीचा गिराए जा रहे हैं। और फिल्म का कलेक्शन 191 करोड़, अभी यही इनके बाप की फिल्म होती ना, जी हाँ आप समझ गए किसकी, ये छपरी लोग हैं, इनके बाप की फिल्म होती ना अब 191 करोड़ होता तो भाई साहब अपने घर में नंगा नाच हो चुका होता इन लोगों का। लेकिन नहीं भाई, इनको तो नफरत करनी है, नफरत किए जा रहे हैं प्रभास की इस फिल्म से, जबकि फिल्म दोस्तों इतने हाउसफुल चल रहे हैं, शोज इतने हाउसफुल चल रहे हैं आईमैक्स के अंदर, 2D 3D मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर, भाई साहब इस फिल्म ने धमाल मचा दिया है। प्रभास ने दिखा दिया कि ओवरसीज का बाप एक ही था, है और रहेगा। वेल दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज मैं मेरी वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशनल और काफी ज्यादा आज में रिव्यूड होगा मेरी वीडियो में, जी हाँ। सब्सक्राइब करके प्यार देना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई भी चौधरी को प्यार देना, प्रभास फैंस असेंबल हेयर। सो भाई लोगों, सबसे पहले मैं बुक माई शो की पोजीशन दिखाऊंगा आपको कि अभी बुक माई शो पे क्या हालात हैं, जी हाँ। तो सबसे पहले बुक माई शो पे कल की का देखते हैं और हैदराबाद में देखते हैं, साउथ में अभी साउथ में क्या हालात है। तो भैया देखो 10 में से 9.3 की रेटिंग है, हर एक घंटे में 63,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, अगर आप देख सकते हो, देख लो दिख रहा हो तो, ठीक है 63,000। और मैं इसमें 2D 3D के अंदर है, 2D में भी देखूँ तो भाई साहब 2D के अंदर भाई एक भी शो हरियाली नहीं है, सारे शोज हुआ है, हाउसफुल है, शोज बंद है, क्लोज है, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक भी शो हरा नहीं है भाई। आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखो सारे शोज हाउसफुल है, सारे अगर दिख रहा हो तो आपको, सारे शोज हाउसफुल है दोस्तों, सारे मतलब ये है 28 तारीख का कंडीशंस। 29 में भी देखूं तो भाई 29 तक भी शोज, भाई साहब शनिवार भी सारे शोज फुल है, आप देख सकते हो, मतलब 30 संडे तक हाउसफुल है भाई, संडे तक हाउसफुल है। मैं अगर एवरेज 150 करोड़ का भी लेके चलूं तो भाई साहब संडे की रात तक 600 करोड़ ग्लोबली कलेक्शंस कंफर्म है वर्ल्ड वाइड, 4 दिनों में 600 करोड़, किसी के बाप में दम नहीं भाई 4 दिनों में 600 करोड़ कमा के दिखा दे, वो भी खास तौर पर साउथ की फिल्म जहाँ पर नॉर्थ में इतना स्पेस नहीं मिला हुआ है इसको। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि कल की हैदराबाद में तो गदर मचाई रही है, बेंगलुरु के अंदर भी आपको दिखा दूं, साउथ में तो देखो हम सबको पता है कि साउथ में इसके सारे शोज हाउसफुल है, साउथ में तो कोई भी कमी नहीं है इस फिल्म को लेकर। अगर मैं साउथ के किसी भी 2D में जाऊं तो आप 2D में देख लो यार, 2D में इतना हाउसफुल है, आप देख सकते हो 2D में इतना हाउसफुल है। ये मैं देख रहा हूँ भाई साहब बेंगलुरु का, हैदराबाद देखा, बेंगलुरु देखा, मतलब साउथ में तो भाई हम ये कह नहीं सकते कि कोई भी हरा है, कोई भी शो में हरियाली नहीं है, भगवा है। अब बात आती है नॉर्थ में, देखो साउथ में तो फिल्म धमाल कर रही भाई, अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि नॉर्थ में देखो यार दोस्तों 24 करोड़ हिंदी बेल्ट से कमाई फर्स्ट डे में, क्या इस बार कितना होगा, क्या आज सेकेंड डे भी
हिंदी बेल्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, हिंदी बेल्ट में जंप मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कल जो था ऑफकोर्स हिंदी बेल्ट में जो आंकड़े हैं कम ही हैं, शोज तो फिर भी ज़्यादा मिले हैं, लेकिन हिंदी बेल्ट के अंदर दोस्तों कलेक्शंस कम आए हैं जो कि ज़्यादा आने चाहिए थे। और आज कितना आता, क्या आज भी 24 करोड़ को पार जाएगा, 20 करोड़ को पार जाएगा या 24 करोड़ के आसपास रहेगा। मैं बात करूँ दोस्तों कोलकाता की, चलो कोलकाता में कितना क्रेज है, क्योंकि ऑफकोर्स शाहरुख खान की फिल्मों का कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा क्रेज होता है, बट अगर मैं कोलकाता देखूँ तो भाई साहब कोलकाता में तो साला शो ही नहीं दिख रहा मुझे, कोलकाता में शो ही नहीं दिए भाई, कोलकाता में शो मिले ही नहीं, दिखी ही नहीं मेरे कोलकाता के अंदर। ओके लेट्स सी, और कोई देखते हैं कोलकाता के अंदर क्या पोजीशन है। कोलकाता में बुरा हाल है, अगर कोलकाता, क्योंकि मुझे याद है कि छपरी गैंग के लोगों की ना फिल्में कोलकाता में बहुत चलती है, 3D में चेक करते हैं भाई कोलकाता में शोज नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि अगर कोलकाता में फिल्म चलती, कोलकाता में नहीं चल रही, नॉर्थ में इसलिए कलेक्शन कम आ रहे हैं, कोलकाता में इस फिल्म को कल की कोई देख ही नहीं रहा, प्रभास को पता नहीं इन लोगों को महाभारत से क्या दिक्कत है कोलकाता वालों को, मतलब समझ से बाहर है भाई। कोलकाता में शोज चलाओ भाई, शोज नहीं है कोलकाता के अंदर, देखो यार शोज खत्म होते यार, दो चार शोज है कोलकाता में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे हो रही है नॉर्थ के अंदर, कहाँ दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ और क्या पोजीशंस है नॉर्थ के अलावा, चलो अभी अगर हम बात करें कोलकाता में, अहमदाबाद की चलो चेक करते हैं, अहमदाबाद में क्या है, फिल्म चल भी रही कि नहीं चल रही है। तो भाई मैं अहमदाबाद में गया, अहमदाबाद में चेक करूँ तो भाई कल की 2980 अहमदाबाद में जाते हैं, 3D के अंदर देख लेते हैं भाई अहमदाबाद में जो शोज, यहाँ भी शोज कम मिले हुए हैं, देख लो दोस्तों, मतलब नॉर्थ में यार कैसे मिलेंगे शोज, कैसे कलेक्शन होगा नॉर्थ में, कोलकाता में नहीं चल रही है, अहमदाबाद में नहीं चल रही सही से फिल्म है। भाई साउथ के ना पूरा जो दक्षिण का एरिया है ना, वहाँ एक एक थिएटर हाउसफुल है भाई, हाउसफुल है, लेकिन नॉर्थ के अंदर कलेक्शंस कम आने की वजह ये कि कोलकाता इतना बड़ा स्टेट है लेकिन फिल्म ना के बराबर, उसके बाद अहमदाबाद में शोज इतने कम है और फिल्म नॉर्थ में चली का रही है। चंडीगढ़ देख लेते हैं, चंडीगढ़ में क्या पोजीशंस हैं, ठीक है चंडीगढ़ भी देख लूँ जरा, अभी चंडीगढ़ में क्या हालात है दोस्तों, ये मैं गया और ये मैं 3D देख लेता हूँ, मैं एक शो चंडीगढ़ का हाउसफुल दिख रहा है मुझे, और कितने शो थे चंडीगढ़ में, टोटल चंडीगढ़ में शो देखे जो हिंदी 2D के अंदर कम ही शो है यार, ये देख लो चंडीगढ़ में कम शोज है, थोड़े बहुत शो हाउसफुल है। इसके अलावा अब बात करते हैं सबसे बड़े राज्य मुंबई की, मुंबई में देखते हैं अभी क्या पोजीशन है नॉर्थ को लेकर। तो मुंबई में गया मैं कल की 2980, अब भाई साहब मुंबई के अंदर हमने 2D 3D एंड तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, मैं हिंदी प्रेफरली करता हूँ, तो हाँ मुंबई के अंदर ज़बरदस्त है भाई, मुंबई में सारे शोज भगवा है, ऑलमोस्ट आज के नाइट शोज सारे शोज भगवा है दोस्तों, मुंबई के हालात बहुत सही है, मुंबई में सारे शोज करेक्ट है, कलेक्शंस मुंबई और दिल्ली से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा कलेक्शंस मुंबई और दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं आपको हर राज्य का दिखा चुका हूँ, अब आप दिल्ली देख लो यार, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली में गए हम और कल की 2980 ये गया दिल्ली, दिल्ली का 2D देख लो हिंदी में, यस दिल्ली में शोज हाउसफुल है, दिख रहा आपको दिल्ली में शोज हाउसफुल है। सो कुल मिला के दोस्तों अब आपको बताऊंगा मैं कि देखो हाउसफुल शोज है यार, ऐसी बात नहीं है, कहाँ कहाँ कमी है, कुछ राज्य ऐसे जहाँ पे कमी है। अब यार देखो यार अभी क्या पोजीशन चल रहे हैं, तो भाई कल्की ने डे नंबर 2 आज कितना कमाएगी, तो ऑफकोर्स कल्की जो है आज लगभग 160 से लेकर 170 करोड़ कमा सकती है, शाम के 6 बजे डे नंबर 2 का जो इंडियन नेट आया हुआ है, जी हाँ दोस्तों कम से कम 32 करोड़ 70 लाख कमा चुकी है डे 2 इंडियन नेट से, ठीक है दोस्तों। एंड वहीं दोस्तों जवान ने जो कलेक्शंस किए थे डे 2 में ऑल इंडिया लैंग्वेज से 53 करोड़, तो ऑफ कोर्स 20 करोड़ पीछे चल रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि आज रात तक इंडिया नेट में कल्की का कलेक्शंस कम से कम 70 करोड़ क्रॉस जाएगा, कल 95 करोड़ था आज 70 करोड़ क्रॉस जाएगा कम से कम। दोस्तों डे नंबर 1 और 2 को मिलाकर ये फिल्म 128 करोड़ कमा चुकी है, जी हाँ दोस्तों, और आज भी रात तक बताऊँ तो कम से कम दोस्तों आपको बता दूँ कि 191 करोड़ ग्रॉस में था, आज 160-170 बोले तो कम से कम ये फिल्म जो है, जी हां 370-360 करोड़ के आसपास आज 2 दिन में ग्रॉस में पहुंच जाएगी, उसके बाद सैटरडे और संडे 2 दिन के अंदर दोस्तों 600 करोड़ तो कार पार हो ही जाएगी, मोस्ट लाइकली 700 करोड़ भी जा सकता है संडे तक की रात तक,
आज की ऑक्यूपेंसी दोस्तों 54% की गई है। एंड भाई इसके अलावा बता दूं कि जवान के रिकॉर्ड भी हर तरीके से तोड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, देखो यार, हिंदी बेल्ट के अंदर कलेक्शन तो कम ही आ रहे हैं, लेकिन साउथ बेल्ट की बात करूँ तो साउथ बेल्ट में ऑफकोर्स जहाँ जवान के कलेक्शन बिल्कुल ही घटिया थे, साउथ में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का मारते, क्योंकि साउथ में कोई पूछता नहीं शाहरुख खान को। जहाँ नॉर्थ में भी कॉर्पोरेट बुकिंग करने के बाद कलेक्शन आया, यहाँ तो प्रभास के साथ उल्टा है। साउथ में रियल कलेक्शन एंड नॉर्थ में रियल कलेक्शन करके भी दोस्तों अगर 24 करोड़ ले रही है फर्स्ट डे, तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अजय देवगन क्या बोलते हैं, उसके अलावा अच्छी से अच्छी फिल्में आई थी अभी, शैतान, बड़ी बड़ी फिल्में, मैदान, बड़ी मियाँ छोटी मियाँ, वो भाई साहब इतना 24 करोड़ की ओपनिंग नहीं ले पाई, आप सोच सकते हो दोस्तों। तो जो लोग हेट फैला रहे दोस्तों इस फिल्म को लेकर कि भाई साहब कल की जो है घटिया मूवी है, बॉक्स ऑफिस के घटिया रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो भाई इन लोगों को बता दूं मैं कि दोस्तों ये मूवी आज भी बड़े धमाल कर रही है, रात तक भी आज ये मूवी 170 करोड़ पार जाएगी। कितने लोगों को लगता है दोस्तों 170 करोड़ पार जाएगी? एंड भाई दो दिन का कलेक्शन आपको बता दूं कि 365 करोड़ पार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 400 करोड़ और कमा ले वीकेंड तक, तो 700-800 करोड़ भी पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लाइक कमेंट करो दोस्तों भर भर के, क्योंकि वाकई में ये फिल्म जोरदार है। दोस्तों क्या लगता है आज डेट टू का कलेक्शन क्या है, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपने अगर मूवी नहीं देखी तो बताओ क्या कहाँ जा रहे हो देखने, एडवांस बुकिंग किया कि नहीं किया, आपके नियर बाय थिएटर में दोस्तों क्या रिस्पॉन्स है वो भी मुझे बताओ। और क्या लगता है भाई, क्या वाकई में कल्की के साथ थोड़ा भेदभाव हो रहा है, जो ये छपरी लोग इस फिल्म को नेगेटिविटी कर रहे हैं, क्या इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नेगेटिव है, कमेंट करके बताओ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।